लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला। दुनिया बदल चुकी है और जो हो गया सो हो गया। पुलिस सिस्टम एक ऐसा सिक्का है जिसके दो साइड होते हैं, एक साइड लॉ और दूसरा ऑर्डर। पांडे डोंट एंग्री मी। राठौड़, विक्रम राठौड़। जल्द ही रावड़ी राठौड़ 2 का होने वाला है बड़ा धमाका। अक्षय कुमार एक बार फिर से विक्रम राठौड़ बन मचाएंगे धमाल। अक्षय कुमार अब एक बात समझ गए हैं कि अगर फैंस को एंटरटेन करना है और फिल्म हिट करवानी है तो स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी चूज करनी पड़ेगी। दरअसल अक्षय कुमार ने साल 2019 के बाद एक बहुत बड़ा डाउन फेस देखा है। उनकी जितनी भी फिल्में इन दिनों रिलीज हो रही है वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पीट रही है और उसके पीछे का रीजन है फिल्म की वीक स्टोरी। अक्षय कुमार उनकी हर फिल्मों में उनका 100% देते हैं, लेकिन वीक स्टोरी के चलते वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट रही है। लेकिन अब अक्षय कुमार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से अक्षय कुमार अब आने वाली फिल्मों को चूज कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अक्षय कुमार के करियर में अब कई सारी हिट फिल्में आने वाली है, जिनका रिसेंट एग्जांपल है OMG 2, बड़े मियां छोटे मियां और फिर इसके बाद रावड़ी राठौड़ 2। बता दें कि रावड़ी राठौड़ 2 फिल्म से जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है। ये फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली ने ये फिल्म की स्क्रिप्ट को कम्प्लीट कर दिया है। उनके पास एक जबरदस्त स्क्रिप्ट आ चुकी है जिस पर उन्होंने कामकाज भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन दिनों रावड़ी राठौड़ का प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है जिनमें फिल्म के स्टार कास्ट को कंफर्म किया जा रहा है और जैसे ही सब प्री प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है फिल्म को लेकर तुरंत ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। साथ ही बता दें कि ये फिल्म की जो स्टोरी होगी वो रावड़ी राठौड़ के बाद की ही होगी, यानी कि पहले पार्ट में जहाँ फिल्म की एंड हुई थी वहाँ से ही रावड़ी राठौड़ 2 में शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये फिल्मों में हमें नए स्टार कास्ट भी देखने को मिलेंगे जिनमें टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण जैसे कई सारे एक्टर का नाम सामने आ रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा के बाद ये फिल्मों में कौन से नए स्टार ऐड होते हैं। जो भी आएंगे लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, क्योंकि उसका जो पहला पार्ट था वो अक्षय कुमार के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। साल 2012 में ये फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया था और साल 2012 में 100 करोड़ कलेक्शन करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं रावड़ी राठौड़ 2 को लेकर। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।